आगे चलते हैं, हम मैट्रिक्स में देखते हैं मल्टीप्लिकेशन। बाय स्केलर, ठीक है। मुझे कोई भी एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, और कोई एक स्केलर क्वांटिटी के है, मैं उस मैट्रिक्स को स्केलर से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, ठीक है। तो देखिए, ये एक एग्जांपल लेके हम समझते हैं। सपोज ये मुझे कोई भी एक मैट्रिक्स दिया है 1 2 3 4, लेट्स से 5 6 7 एंड 8, दिस इज द मैट्रिक्स। और मुझे बोला है कि मैं इस पूरे मैट्रिक्स को, लेट्स से सम स्केलर 9 है ना, इस नंबर 9 से मैं इसको मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ। स्केलर कैन बी एनी नंबर, और वो कुछ भी हो सकता है, मतलब वो मैट्रिक्स छोड़ के कोई भी नंबर, ऐसा कुछ न्यूमेरिक वैल्यू या कोई, लेट्स से साइन थीटा कॉस थीटा, ऐसे कुछ है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि मैट्रिक्स को अगर हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो रूल कहता है कि ये जो स्केलर नंबर है, ये जो जो भी स्केलर क्वांटिटी है, ये अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे उस मैट्रिक्स के अंदर, हर एलिमेंट से इंडिविजुअली मल्टीप्लाई होगा, है ना। दैट मींस ये 9 जो है यहाँ पे, जैसे कि 1 है तो 9 1 9, 9 2 18, 27, 36, 36, ठीक है। तो ये हो गया जो है, हमने इस मैट्रिक्स को क्या किया, एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये है मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर, ठीक है। तो बेसिक सा रूल है, वो ये कहता है कि आप जो भी मैट्रिक्स है उसको जिस भी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे, आप सिर्फ और सिर्फ उस स्केलर को अंदर की हर एलिमेंट से, हर एक एंट्री से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इसमें कुछ रूल्स हैं, जैसे कि कोई एक स्केलर है एंड लेट्स से दो मैट्रिक्स है हमारे पास ए प्लस बी, तो मैं पहले मैट्रिक्स मैट्रिसेस को ऐड करूं, फिर उसको स्केलर से मल्टीप्लाई करूं। दिस इज इक्विवेलेंट टू स्केलर मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट मैट्रिक्स विद द सम स्केलर मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड मैट्रिक्स। मैं के ए प्लस के बी करूँ या मैं के ए प्लस बी करके, मतलब पहले मैट्रिक्स को जोड़ूँ फिर उसको स्केलर से मल्टीप्लाई करूँ, या दोनों को अलग अलग मल्टीप्लाई करके फिर जोड़ूँ, मुझे रिजल्ट सेम मिलेगा। फिर दूसरी चीज़, मान लीजिए मेरे पास दो स्केलर हैं, लेट्स से एम और एन, एंड मुझे उसको किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं इसको किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। यानी कि मैं पहले उस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को एन नंबर से मल्टीप्लाई करूँ, फिर एम नंबर से मल्टीप्लाई करूं, या फिर मैं पहले एम नंबर से मल्टीप्लाई करूं फिर एन नंबर से मल्टीप्लाई करूं, या मैं उन दोनों नंबर्स को आपस में पहले मल्टीप्लाई करूं फिर मैं मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई करूं, तो मुझे ये तीनों ही सिचुएशन में जो रिजल्ट है वो हमेशा सेम मिलेगा। फिर उसके बाद मान लीजिए दो मैट्रिक्स, दो स्केलर्स हैं मेरे पास एम और एन, मतलब दो कोई भी क्वांटिटीज हैं, और उसको मैं किसी एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। दिस इज इक्वल टू एम ए एन एन ए, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद अगर मैं किसी मैट्रिक्स को किसी नेगेटिव नंबर से, लेट्स से माइनस के से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये माइनस के ए, मतलब मैं पहले उस मैट्रिक्स को नंबर से मल्टीप्लाई करके माइनस करूँ, या फिर या फिर मैं स्केलर को बाहर ही रहने दूं और उस मैट्रिक्स को पहले नेगेटिव बना दूं, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये एक प्रॉपर्टी हो गई। इसके बाद अगर मैं किसी मैट्रिक्स को -1 से इंटू करता हूं तो वो मैट्रिक्स नेगेटिव हो जाता है, ये हम जो है कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ हो गई प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर एडिशन, सॉरी स्केलर एडिशन नहीं, स्केलर मल्टीप्लीकेशन। एंड इस पे जैसे कुछ अगर क्वेश्चन, तो ये तो जस्ट कंसेप्ट था और कुछ भी नहीं था इसमें, कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन के इसमें क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं जिसमें स्केलर भी मल्टीप्लाई हो रहा होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, आपको लेट्स से ए इज इक्वल टू 2 3 4 5 दिया हुआ है, कुछ रैंडम एग्जांपल बना लेते हैं, एंड लेट्स से बी आपको दिया हुआ है 0 7 6 एंड 8, ये दिया हुआ है।
और आपको बोला है कि फाइंड 2a प्लस लेट्स से 3b। तो आप क्या करेंगे, 2a यानी कि ट्वाइस ऑफ मैट्रिक्स 2, 3, 4 एंड 5, एंड प्लस करना है मुझे थ्राइस ऑफ 0 एंड 7, 6 एंड 8। अब देखिए ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 5 ज़ा 10। इसको मुझे ऐड करना है 0, 21। बस मैं इसको ऐड कर लूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। तो ऐड करना तो हमने सीखा ही है, 4 एंड 0 एंड लेट्स से 6 एंड 27 एंड लेट्स से 8, ये हमें मिल गया है ना। तो 2a प्लस 3b जो है ये हो जाएगा, ये हमने देखा। इस टाइप के आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं एंड इसमें थोड़ा सा जैसे कि कॉम्प्लेक्सिटी अगर बढ़ाना है तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। देखिए ये आपको बोला है कि एक्स कोई एक मैट्रिक्स है, वाई कोई एक मैट्रिक्स है, और आपको बोला है एक्स प्लस वाई मुझे ये मिल रहा है, एक्स माइनस वाई आपको ये मिल रहा है। आपको बोला है एक्स और वाई के इंडिविजुअल वैल्यूज निकालो। तो देखिए जैसे हम टेंथ में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल करते थे, तो हम क्या करते थे ऐसे सिचुएशन में, हम इनको ऐड करेंगे अगर, तो ये वाई और वाई कैंसिल होगा, 2x बचेगा मेरे पास, और ये दोनों मैट्रिक्स मुझे जोड़ना है। तो इसको हम कैसे जोड़ेंगे, ये जोड़ना तो हमने सीख ही लिया है। 7 जो है 3 के साथ ऐड हो जाएगा 10, 0 0 के साथ ऐड हो जाएगा, और 2 जो है 0 के साथ 2 बन जाएगा, 5 एंड 3 बिकम्स 8। तो मुझे 2x क्या मिल गया, ये मिल गया। अब क्योंकि यहाँ पे 2 इंटू हो रहा है, मैं 2 यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, डिवाइड कर सकता हूँ। तो मैं एक्स इज इक्वल टू हाफ लिख लूंगा, और लेट्स से 10 2 8, ये हो गया। अब हाफ में हर चीज को हाफ कर दूंगा, देखिए 10 का हाफ 5, 2 का हाफ 1, 0 का हाफ 0 एंड 8 का हाफ 4, ये हमें क्या मिल गया, x मिल गया। अच्छा इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे। तो y के लिए हम क्या करेंगे, या तो देखिए दो तरीके हैं, या तो आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, या तो आप किसी एक में x मैट्रिक्स की वैल्यू पुट करके फिर उसे सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, ठीक है ना। तो कोई भी तरीके से आप कर सकते हैं। लेट्स से दिस इज एक्स प्लस वाई एंड दिस इज एक्स माइनस वाई। अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा, वाई एंड वाई ये 2y बन जाएंगे। अब देखिए मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, 7 माइनस 3 एंड लेट्स से 0 माइनस 0, 2 माइनस 0 एंड 5 माइनस 3, 4022, ये मुझे मिल गया। तो मैं y इज इक्वल टू क्या लिख लूंगा, इसको हाफ कर दूंगा, ये 2 जो है इधर आएगा, हाफ हो जाएगा, तो 2, 4 का हाफ 2 बन गया, 2 का हाफ 1 बन गया, 0 का हाफ 0 ही रहेगा और 2 का हाफ 1 बन गया। तो ये हमें जो है x और y की वैल्यू मिल गई। नेक्स्ट हम देखते हैं, आपको ये इक्वेशन के फॉर्म में दिया हुआ, आपको बोला इफ दिस, ठीक है ना, 2 ऑफ दिस मैट्रिक्स प्लस 3 ऑफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू 3 टाइम्स दैट मैट्रिक्स, फाइंड x y z एंड t। तो हम क्या करेंगे, देखिए सिंपल सा चीज है, 2 को अंदर ले जाते ही हो जाएगा 2x 2z 2y एंड 2t, ठीक है, ये हो गया। अब 3 को अंदर ले जाते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 3 1 3, 3 0, माइनस 3 एंड 3 2 6। यहाँ पे भी 3 को अंदर ले जाते हैं, तो हर नंबर को मुझे क्या करना है, 3 से इंटू करना है, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, ये हमने लिख लिया। अब यहाँ पे मैं एडिशन परफॉर्म करूंगा, 2x जो है 3 के साथ ऐड होगा, 2y जो है 0 के साथ ऐड होगा, तो 2y बन जाएगा, 2z जो है माइनस 3 के साथ ऐड होगा, तो 2z माइनस 3 बनेगा, 2t जो है 6 के साथ ऐड होगा, तो ये 2t प्लस 6 बन जाएगा। दिस मस्ट बी इक्वल टू 9, 15, 12 एंड 18। अब जब हम इनको कंपेयर करेंगे तो देखिए 2x प्लस 3 मुझे 9 के इक्वल मिलना चाहिए, तो हम 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 9 लिखेंगे, यानी कि 2x इज इक्वल टू 3 इधर जाएगा, 9 माइनस 3, 6 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 ज़ा 6, तो x हमें 3 मिल गया। अच्छा ऐसे ही 2z माइनस 3 को हम 15 के सामने रखेंगे, तो 2z माइनस 3 इज इक्वल टू 15, 3 को शिफ्ट करते हैं,
जेड 15 प्लस 3 18, तो हमें जेड मिल जाएगा 18/2 यानी कि 9, जेड हमें मिल गया। ठीक है, अच्छा अब 2y इज इक्वल टू, मैं 12 लिखूंगा, ये 2y है ये 12 है, हम लिखेंगे 2y इज इक्वल टू 12, 2 को शिफ्ट करेंगे तो y इज इक्वल टू 12 को 2 से डिवाइड करेंगे, 6 हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसी तरीके से हम इस 2t + 6 को 18 के इक्वल रखेंगे, तो 2t + 6 इज इक्वल टू 18, 6 जो है शिफ्ट हो जाएगा, 2t इज इक्वल टू 18 - 6 है ना, 18 - 6 हो जाएगा 12, तो टी आपका हो जाएगा 12/2 यानी कि 6। तो बेसिकली मुझे y जो है 6 मिला, x जो है 3 मिला, y इज 6, x इज 3, z इज 9, ठीक है, और t जो है आपका 6 है। ठीक है, ये हमारे आंसर आ गए। आगे हम देखेंगे, ये आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको बोला है मैट्रिक्स ए जो है ये है, मैट्रिक्स बी ये है, आपको एक एक्स मैट्रिक्स फाइंड करना है इस तरीके से कि 2a + b + x इज इक्वल टू ओ। आपको बता दूं ये ओ जो है बेसिकली क्या है, नल मैट्रिक्स है, और ये नल मैट्रिक्स कौन से ऑर्डर का है, जिस ऑर्डर के मैट्रिक्स हमें क्वेश्चन में मिले हैं उसी ऑर्डर का। तो यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए की जगह मैं मैट्रिक्स ए डाल दूंगा यानी कि -1, 3, 2 और 4, बी की जगह मैं डाल दूंगा 3, 1 + x मस्ट बी इक्वल टू ओ, यानी कि ये 2/2 है तो ये भी 2/2 होना चाहिए। अब देखिए मैं इसको सॉल्व करते जाता हूं, तो ये हो जाएगा -2, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8, 0, 0, 0। आप ये बार बार 0, 0, 0 लिखने के बजाय सीधा ओ लिख सकते हो, नल मैट्रिक्स। अब देखिए इसको मुझे फर्दर सॉल्व करना है, तो अब देखिए ऐड करते हैं इसको, तो ये -2 और 3 है ना, तो -2 और 3 कितना हो जाएगा, -2 + 3 यानी कि 1, 4 - 2 यानी कि 2, अच्छा 6 + 1 यानी कि 7 एंड 8 + 5 ये हो जाएगा 13 प्लस मैट्रिक्स x मस्ट बी इक्वल टू ओ। अब हम क्या करेंगे कि इस मैट्रिक्स को हम वहां शिफ्ट कर देते हैं, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा ओ माइनस दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स यानी कि 1, 2, 7 और 13। अब ओ तो क्या है, 0, 0, 0, 0 है, तो उसको लिखो नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो बेसिकली ये माइनस साइन क्या होगा, अब अंदर जाएगा, तो ये आपको मिल जाएगा -1, -7, -2 और -13। तो x मैट्रिक्स हमें मिल गया वो ये था।